सर्वदा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم। غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفی والمرتضی وابناہما والفاطمہ او تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا और क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हसन और हुसैन हूँ। बहुत से लोगों ने गौर किया होगा कि मैंने शेर को पलट दिया। शेर ऐसे है कि जहरा है वो कली जिसमें हसन फूल भी। लेकिन क्योंकि मैंने हदीस पाक में देख रखा है कि कभी ऐसा आका ने फरमाए हमेशा का हसन हुसैन सैयद शबाब अल हसन वल हुसैन और कुरान की हर आयत पर उनकी नजर है। फिर वो कोई शेर लिखते हैं लेकिन क्योंकि शेर में सकता आता है इसलिए उन्होंने ये फरमाया कि जहरा है वो कली जिसमें हुसैन और हसन। लेकिन मैं कहता हूँ जहरा है वो कली जिसमें पहले आला हजरत खुद फरमाते हैं फतवा रज़विया शरीफ उठा कर देखिए उलमा इकराम जानते हैं कि मनसबे अहले बैत में सैयदना इमाम हसन मुश्तबा का मकाम इमाम हुसैन से आला और अफजल देख ले फतवा रज़विया उठा कर। इसलिए हम ये कमी देखते हैं लोगों में कि शहजादा करबला का जिक्र इतनी कसरत से होता है लेकिन शहजादा अकबर सिबत अकबर सैयदना इमाम हसन मुश्तबा खातिमुल खल्फा का जिक्र बहुत कम होता है लोग करते ही नहीं। मैं अगर पूछ लूं कि उनकी शहादत कब है उनकी विलादत कब है तो अक्सरियत बता ही नहीं पाएगी। 28 सफर को आपकी शहादत है उसी दिन मुजद्दिद अल-फिसानी का भी उससे और उससे 3-4 दिन पहले सरकारी आला होता है ये उनकी शहादत है। उसके बाद मुहर्रम के बाद सफर आता है तो दोनों शहजादों की शहादत आगे पीछे लेकिन मैं हुजूर निजाम मिल्लत जिस खानवादे से ताल्लुक रखते हैं 10 मिनट आपका लूंगा और मैं बैठ जाऊंगा ननिहाल और ददिहाल मैं दोनों को समेटूंगा एक करार हुजूर निजाम मिल्लत का ददिहाल और ननिहाल मैं दोनों को एक करामत के जरिए समेट लूंगा आपको बात पता चल जाएगी। आपके जद्दे आला और दादा शेखुल मशाइख असदुल आरिफीन हजरत सैयद शाह ख्वाजा अल हाज सैयद मोहम्मद असगर अली कुद्दसा सिर्रहुल अजीज की जात है जो आपके दादा होते हैं उनकी उनके विसाल के बाद एक अजीम बुजुर्ग और वली जो उनके ननिहाली रिश्ते से और जिनको अभी आप देख रहे हैं मौलवी सैयद दाऊद यार साहब जो हमारे बहनोई भी हैं उनका खानवादा मौलवी सैयद यूसुफ यार तारीख दुनिया बुजुर्ग थे मखदूमुल मिल्लत की तरह वो खुद फरमाते हैं कि एक दिन का वाकया है कि हुजूर शेखुल मशाइख के आस्थाने पर मैं रात में पहुंचा आपका विसाल हो चुका था। मैंने ये सोचा कि वज़ाइफ़ो अदवार जो भी है आज मैं आपकी मज़ारे पाक पर करूंगा और अंदर के हिस्से में आप फरमाते हैं कि जब मैंने दरवाजे को खोला तो मैं क्या देखता कि हुजूर शेखुल मशाइख अपनी कब्र मुबारक से बाहर वो फरमाते हैं
सवाने मख्तूमुल मिल्लत को अगर आप मुताला करें तो ये बात आपके समझ में आ जाएगी, उसमें ये करामत, उनकी करामत दर्ज है कि आप फरमाते हैं कि जब मैं अंदर गया तो मैं क्या देखता हूँ कि हुजूर शेखुल मशाइख यानी हुजूर निजामे मिल्लत के दादा कब्र के बाहर अपने रूहानी ताबनाकी के साथ बाहर तशरीफ फरमा है। आपने जब देखा कि आपके हाथ मुबारक में एक तस्बीह है जो निहायत ही चमकती है, एक आपके हाथ में अंगूठी है जो खूबसूरत नगीने के साथ इतनी चमक उसमें से निकल रही है कि पूरी कब्र मुबारक से लेकर आपका पूरा आस्ताना, आपका आस्ताना अंदर जगमगा रहा है। आपने जब ये देखा तो आप खौफजदा हो गए। आप खुद फरमाते हैं कि मैं इतना खौफजदा हुआ कि मैं यह चाह रहा था कि आपसे गुफ्तगू करूं, एक तसाबे फायज करूं, लेकिन मारे खौफ के मैं बाहर निकल आया। और फरमाते पूरी जिंदगी जब तक मैं जिंदा रहा इस बात का मुझे अफसोस रहा, अल्लाह अल्लाह, इस बात का मुझे अफसोस रहा। काश मैं उनकी जियारत तो मैंने कर ली, मुझे तसाबे फायज भी हो जाती, क्योंकि औलिया इकराम विसाल के बाद भी अल्लाह के इज़्ज़त से अपनी कब्रों में बहयात। आपके जद्दे अमजद हजरत सैयदना अब्दुल सत्तार साहब जिंदनी सुम्मा बुखारी रजी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने 1110 में हिजरत फरमाकर हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, अजीम बुजुर्ग जिनका मजार आज भी खानपुर में मौजूद है। हमारे उनकी एक अजीब करामत, और मैं गौर कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ कुछ करामत ऐसी कि जंगलों का और शेरों का कुछ खास रابطہ हमारे यहाँ से रहा, क्योंकि जंगल ही में हम लोगों ने मंगल किया है, हमारे बुजुर्गों ने तो जंगल ही है, तो हमारे यहाँ अक्सर शेर और बाघ हो लकड़ बग्घों से, तो हमारे बुजुर्गों का भी तरीका रहा। अब पुराने लोगों में ये आदतें थी कि वो उनके तकबूर घमन इस चीज की गंदगी नहीं थी, तवाज़ो इंकसारी थी, तो लकड़ियां चुनने गए जंगल में। हजरत ख्वाजा सैयद अब्दुल सत्तार साहब जिंदनी वो लकड़ियां चुनने गए, लकड़ियां चुनने गए, इत्तेफाक से उनके शेर से मुलाकात हुई, शेर से जब मुलाकात होती शेर जब आपके सामने आता है तो सर झुका कर खड़ा होता है। हम आप जा रहे हो, अगर शेर मिल जाए तो ये यकीनी तो नहीं कह सकता कि अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, लेकिन ये यकीन है कि वो साफ जरूर कर देगा। लेकिन जब वो जंगल में शेर से उनकी मुलाकात हुई तो शेर उनके सामने खड़ा हो गया और आपने उसकी पुश्त पर लकड़ियों को रखा और घर तक लकड़ियां शेर पर लेकर, घर पर लकड़ियां रखकर आया और शेर आपका इतना गर्विदा हुआ कि जब तक आप बहयात रहे शेर कभी छोड़ कर नहीं गए। जिंदाबाद, मशहूर मारूफ है। यही चल के मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता था और मैं उन लोगों का भी समीमतलब से इस्तकबाल करता हूँ जो लोग मेरी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए, वो चाहे उलमाए किराम हो, उफाज हो, मसाजिद के आइम्मा हो, या शोराए अज़ाम हो, या मुरीदीन मुतवस्सिलीन मुहिब्बीन मोमिनीन जो भी हो, आए मैं उनका समीम कल्ब से इस्तकबाल करता हूँ। अल्लाह ताला हमें और आपको औलिया किराम से सच्ची मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखर दावाना अलहम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत और